तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं रोटी पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने रात की बची हुई जो रोटियां होती है वो मैंने ली थी। मैंने 3 रोटी एक साथ फ्राई किया बटर डाल के, और उसके बाद एक एक रोटी को सिंगल फ्राई किया जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये आप सिंगल रोटी को लेकर के ही करें तो वो अच्छे से और जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। उसके बाद उस रोटी को मैंने एज अ पिज़्ज़ा बेस यूज़ किया है, और उसके ऊपर मैंने फिर लगाया है टोमेटो केचप। और टोमेटो केचप को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा नमक डाला और वेजीज ऐड किए। उसमें मैंने कैप्सिकम, येलो एंड रेड बेल पेपर्स, अनियन और कॉर्न डाला था, जो कि बहुत सिंपल से वेजिटेबल्स हैं जो हमारे घर में मिल ही जाते हैं। और फिर मैंने चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डाला था उसके ऊपर। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ नहीं खाते हैं इसीलिए उसे ही ग्रेट करके डाला। फिर डाला मैंने ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। उसके बाद मैंने तवे पे बटर स्प्रेड करके उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख दिया और उसे कवर कर दिया कम से कम 5 मिनट के लिए। आप देख सकेंगे कि अब जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप चाहे तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, जो आयरन का तवा होता है हमारे पास। तो पिज़्ज़ा इज़ रेडी। मुझे प्लीज़ लिख करके बताएं कि आपको कैसा लगा।